नमस्कार मित्रों, अब हम अपने आखिरी सेंटर एडवांस सेंटर पे आ चुके हैं। हर सेंटर की तरह यहाँ भी वही चीज़ें हैं, साज सज्जा हुई है, बंधन वार लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं, ये गुब्बारे सजाए गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग और विशेष करने की कोशिश की गई है। मैं सहयोगी से चाहूँगा वो अंदर आए और थोड़ा इस ओर पास से रुक करें और दिखाएं कि किस तरीके से ये कागज़ के फूल बनाए गए हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, ये फूल हमारे अभिभावकों ने और हमारे बच्चों ने बनाया है। ये प्यारे प्यारे फूल, ये गुलदस्ते हमारे अभिभावकों और बच्चों ने बनाया है। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप हुआ था। इन फूलों को, इस सजावट को देख के कहीं ना कहीं हमें ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उस हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप की जो उद्देश्य था कि इन बच्चों को किस तरह से मुख्यधारा से जोड़ा जाए और भी अदर एक्टिविटीज सिखाई जाए, वो चीज़ें करने में हम कामयाब हो पाए। क्योंकि इतने सुंदर फूल बनाना शायद एक सामान्य बच्चों के लिए भी कठिन होता है, लेकिन एक सीपी बच्चे होते हुए और उनके अभिभावक होते हुए ये कर दिखाना और आज के दिन पे हमारे सेंटर को सजाने के लिए ये बना करके हमारे सेंटर इंचार्ज को गिफ्ट करना बहुत ही बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। नीचे की ओर मैं सहयोगी से चाहूँगा वो दिखाएं कि कितनी प्यारी रंगोली बनाई गई है, जिसमें अलग अलग रंग, लाल, हरा, नारंगी, सफ़ेद, हर तरह के रंगों को इसमें, इस रंगोली में डालने की कोशिश की गई है। क्योंकि हर रंग किसी न किसी तरह का अपने में ही एक बहुत ही बड़ा मतलब समेटे हुए है। हर रंग का अलग मतलब होता है, जैसे कि हरा रंग हमारी प्रकृति का स्वरूप है, सफ़ेद रंग शांति, लाल उत्तेजना, नारंगी एनर्जी। तो ये सारी रंग यहाँ पे इस तरह से बिखेरे गए हैं कि ये एक सुंदरता को दिखा रहे हैं और हमारे बच्चों में वो ऊर्जा भर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, इस समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ना है और अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करना है जो एक सामान्य बच्चे के लिए भी हासिल कर पाना कठिन होता था। वो सारी चीज़ें आपको करके दिखानी है और हमारे इस मुख्य उद्देश्य जो है हमारे आज के दिवस का, कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना है, उसे पूरा करके दिखाना है। आज हमारे सेंटर के इंचार्ज सत्येंद्र जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे चाहूँगा आप इधर आ जाएं। सत्येंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पे क्या कुछ प्रिपरेशंस की गई हैं और किस तरह से पेरेंट्स ने यहाँ सारी ये तैयारी की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं सत्येंद्र शर्मा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, त्रिशला फाउंडेशन। आज का जो प्रोग्राम है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पे, बच्चों ने, पेरेंट्स ने और सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा योगदान दिया है इस प्रोग्राम को अच्छे से करने में। चाहे फूलों से सजावट की गई हो, चाहे बैलून लगाया गया हो और चाहे जिस तरीके से, हर चीज़ों में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि बैलून बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं और जो बच्चे आते हैं उनको सिर्फ ये लगता है कि मुझे बैलून चाहिए पापा, तो बैलून से बच्चों का इंट्रैक्शन और अच्छा आता है हर चीज़ में। किस तरह का आज इन्वॉल्वमेंट आपने बच्चों को देखा, कैसे बच्चों ने आज के दिन को एंजॉय किया और भी क्या क्या इंतज़ाम आप लोग की तरफ से यहाँ किए गए थे? जैसे कि हमने और सेंटर्स पे देखा कि बच्चों को टॉफीज़, बिस्किट, कैंडीज, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यहाँ पे आप लोगों ने क्या कुछ किया? यहाँ पे बच्चों के लिए चॉकलेट और चॉकलेट रखे गए थे, टॉफ़ी रखी गई थी, बच्चों ने अपनी थेरेपी करवाई और फूलों और गुलाब और बैलून को देख करके बच्चे बहुत ही आनंदित महसूस किए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। इस सेंटर की दूसरी इंचार्ज जो है हमारी रितु जी वो भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ बातें इनसे भी हम करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक इनकी सारी चीज़ें पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये दोनों लोग ही इन सेंटर को पूरी तरीके से चलाने में, यहाँ के जो आप डेकोरेशंस देख रहे हैं, रंगोली देख रहे हैं और यहाँ का जैसा प्रॉपर मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, इनसे बात करने से पहले मैं अपने सहयोगी मनोज जी से चाहूँगा कि एक बार वो कैमरा घुमा के दिखाएं कि किस तरह का बेहतरीन अरेंजमेंट मैम ने और सर ने यहाँ करवाया है, कितनी खूबसूरती से यहाँ की सजावट की गई है, हर रंग यहाँ पे डालने की कोशिश की गई है, गुब्बारे भी उसी तरीके से सजाए गए हैं जिसे देख करके बच्चे आकर्षित हों, उन्हें अच्छा लगे और वो अपने आप को एक विशेष महसूस करें कि हाँ हमारे लिए आज का दिन समर्पित किया गया है। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो वापस अब यहाँ पे आ जाएं और मैम से हम लोग बातें करेंगे। नमस्कार मैम। किस तरह की अरेंजमेंट आप लोगों ने यहाँ पे करवाया है, कल से लेकर आज तक में कैसे कैसे इंतजाम कराए गए हैं? हमने अंदर आते ही देखा कि कागज़ के बड़े प्यारे फूल बनाए गए थे, वो किसने बनाए और एक किसने दिए, क्या उद्देश्य था, वो सारी चीज़ें हमें बताएं। सर ये सारे जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स ने मिलकर बनाए हैं। उनका ये उद्देश्य था कि हमारे जो बच्चे हैं वो फूलों की तरह खिलते रहें, मुस्कराते रहें। उन्होंने ये सोच करके ये सारे फ्लावर्स और ये जो सारे डेकोरेशन हैं उन्होंने सब बच्चे और पेरेंट्स ने हमारे साथ मिल करके ये पूरा सजावट की है। अब ये जो रंगोली देख रहे हैं ये बच्चों की मम्मियों ने बनाई है पूरी रंगोली को, हम लोगों ने बस इसको अरेंज किया है, बाकी सारी चीज़ें मम्मियों ने बनाई हैं। बहुत बड़ी बात मैडम ने अभी आपको बताई है कि इन फूलों का उद्देश्य केवल ये है कि जिस तरह से एक नन्ही सी कली खिल करके एक सुंदर फूल का आकार लेती है, वैसे ही हमारी ये प्यारे प्यारे बच्चे भी आगे चल करके अपने भविष्य में कुछ इस तरह खिलें, कुछ इस तरह ये वो मुकाम हासिल करके दिखाएं कि अपने माँ बाप का, अपने थेरेपिस्ट का और हमारे त्रिशला फाउंडेशन परिवार का नाम रोशन करके दिखाएँ। मैम आज के दिन में कैसी उत्सुकता आपको देखने को मिली बच्चों में और अभिभावकों में? सर आज के दिन में बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये सब देख करके जिन्होंने बनाई है, और पेरेंट्स ये खुश हो रहे हैं देख करके कि आज हमने कुछ अच्छा किया है, हमारे बच्चे कुछ देख करके एक नई चीज़ को देख रहे हैं, इससे बच्चों को लगता है कि हम रोज़ रोज़ वही करके बोर हो गए हैं तो कुछ नया इनको दिख रहा है कि आज हमको कुछ नया चीज़ खेलने को मिल रहा है, आज हमको एक्टिविटी नहीं करनी है, थेरेपी नहीं करनी है, हम जाएंगे आराम से वहाँ पर, जैसे होता है कि आप कहीं घूमने गए हो पार्क वगैरह में, जिन्हें लग रहा है कि हम घूमने आए हैं आज, तो ये बच्चों के दिमाग में आज ये है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज हम एकदम फ्री हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके, काफ़ी कुछ आपने बताया यहाँ के विषय में, हमारे अभिभावकों के मन में उठ रहे उमंगों के विषय में। अब हम अपने अभिभावकों के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप इधर घूम जाएं ताकि लोग इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको साफ साफ देख सकें। आप कहाँ से आई हैं और अपने बारे में कुछ बताइए। सर हम जौनपुर से हैं, यूपी से, और आए हैं यही अपने बेटी का इलाज कराने के लिए। पहले तो हम 6 महीने करवा चुके हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा मेरी बेटी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर हम 1 महीने घर पे गए थे, फिर दोबारा यहाँ पे आए हैं ताकि हमारी बच्ची जो है अच्छे से और अच्छा मोमेंट मिले। आपको भी देख के आप भी काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हैं, बच्चे ने भी नए नए कपड़े पहने हुए हैं, आज एक त्यौहार के माहौल सा लग रहा है हमें, कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रही हैं आज के दिन को लेकर के? सर आज का दिन तो सेरेवल सीपी डे है ही है और आज का दिन तो बहुत खास होता है, और जो ये सजाए गए हम लोग द्वारा ही, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं ये बैलून देख के, हर चीज़ देख के, और मैम ने जो दिया है बिस्किट टॉफ़ी, और बच्चे ये सब पाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, तो यही सब। कुछ अगर कहने को कहा जाए आज के दिन को लेकर के तो आप हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि त्रिशला फाउंडेशन में जितने भी थेरेपिस्ट हैं बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझाते हैं, उनकी थेरेपी भी करते हैं, और हम लोग को भी जैसे नहीं समझ में आता है तो बार बार वो समझाते हैं कैसे करना है, कैसे आगे बच्चों को किया जाएगा, तमाम चीज़ें हमको बताते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
आगे चलते हैं, क्योंकि आज हमें बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि सारे पेरेंट्स खुद से हमारे पास आकर के हमसे बातें कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं कि कैसा उमंग उनके दिल में उठ रहा है, कैसा जोश उनके बच्चों में आज उनको देखने को मिला है। आज के इस दिन को लेकर के ये सारी चीज़ें जान के हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा जो उद्देश्य था कि इन बच्चों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, कहीं ना कहीं वो सार्थक होता हमें यहाँ पर दिख रहा है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आज वर्ल्ड सर्वल पासी दिवस है, आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपको यहाँ देखने को मिला और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह आज के दिन दिखा गया। आज विश्व पालसी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा बहुत मिठाई वगैरह भी मिला और बच्चों में बहुत सारे सजावट किया गया और बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके बच्चे ने कितना एंजॉय किया, क्या कुछ किया आज सुबह से आप लोग आके यहाँ पे? सुबह से बैलून वगैरह फुलाया होगा और बच्चे सजावट उद्योग। क्या सोचते हैं कि बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए भी एक दिन ऐसा बनाया गया है, ये कैसा लग रहा है आपको ये जानकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग बहुत जगह घूमने के बाद तिरसाला का एड्रेस मिला यूट्यूब के माध्यम से, जो काफ़ी सफलतापूर्वक देख रहे हैं बच्चों में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे चीज़ें जान करके। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा इन बातों के दौरान वो आपको चीज़ें दिखाते रहें कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसे लगातार चल रही हैं। सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताइए। मैं प्रतापगढ़ से हूँ सर, और दिनेश त्रिपाठी मेरा नाम है। मेरा बेटा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, प्रीमेच्योर हुआ था, ऑक्सीजन की कमी, जन्मजात कुछ परेशानियां होती हैं जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों में। और सर मैंने अपने प्रतापगढ़ में भी कराया थेरेपी, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए डॉक्टर जेके जैन सर के यहाँ पूरे भारत में मैं कहता हूँ कि यहाँ जो थेरेपी होती है, जो रिलैक्स होता है, जो इम्प्रूवमेंट होता है, वो शायद कहीं नहीं मिलता है। मैं हताश भी हो गया, लेकिन ये एक महीने, एक साल लगातार लेटा रहा, फिर मैं प्रतापगढ़ में थेरेपी कराया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। और जैसा कि ये बीमारी जो है मानसिक और शारीरिक दोनों होती है, जन्मजात होती है, जिसको थेरेपी के माध्यम से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ के सारे थेरेपिस्ट, जैसे एक गुरु अपने कच्चे बच्चे को संवारता है, सजाता है, उसे सिखाता है और बनाता है, वैसे ही ऐसे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित दिव्यांग बच्चों के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, वो अपने पैरों के सामान्य बच्चों की तरह खड़े हो सकें, उनकी तरह खेल सकें, उनकी तरह हंस सकें, बोल सकें, वो सारे प्रयास यहाँ पे इस संगठन के माध्यम से, इस फाउंडेशन के माध्यम से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक कितना सक्रिय है उसके प्रति। मैं स्वयं बहुत सक्रिय नहीं हो पाता हूँ, कभी कभी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण मैं इसकी थेरेपी नहीं कर पाता हूँ, हताश हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन इन्हीं से है आगे, और इन्हीं से जो है सपना पूरा होना है, तभी सार्थकता है। सर मैं इतना चंद पंक्तियाँ कहूँगा यहाँ के सारे थेरेपिस्ट के लिए अपने बच्चे की तरफ से, कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। इन गुरु सरी थेरेपिस्ट की खुशबू नहीं मिलती, और यदि ये गुरुजन ना होते तो बच्चों के शरीर का निर्माण ना बनता, ऐसे स्वर्णिम एक्सरसाइज करें कि जहाँ में होता राना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पंक्तियाँ इन्होंने सुनाई है, और सच में हमारे थेरेपिस्ट को बहुत बाखूबी तरीके से इन्होंने वर्णित किया है, अपने शब्दों में बांधा है कि किस तरीके से हमारे थेरेपिस्ट अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रिश्ता बनाते हैं, एक परिवार का संबंध बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय हमें देने के लिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि जिस तरीके से एक कुम्हार कच्चे मिट्टी को लेता है
और लेकर पे उस पर काम करता है, उसे सजाता है, एक आकार देता है। आकार देने के बाद उसे आग में तपा करके और एक सुंदर मूर्ति का आकार दिया जाता है। वैसे ही हमारे थेरेपिस्ट भी कड़ी मेहनत करते हैं, इन बच्चों को उस आकार में ले आते हैं कि आने वाले जीवन में ये अपनी सारी चीज़ें खुद से कर पाएँ। हम आगे चलेंगे और अपने और भी अभिभावकों से बातें करेंगे। मैं मैडम को बुलाना चाहूँगा, मैम आगे आ जाएं, हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैम चला रही हैं बच्चे को। मैम आप खड़ी हो जाएं तो हम थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहेंगे। मैम आप कहाँ से आई हुई हैं और अपने बारे में कुछ चीज़ें बताइए, बच्चे में क्या परेशानियाँ थी जब आप बच्चे को लेके यहाँ आई? मेरा नाम निष्ठा है, मैं बिहार से आई हूँ अपने बच्चे को लेके। तो पहले जब मतलब आया था बच्चा, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता था, कोर मसल तो काफ़ी वीक था और अभी भी है, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी चेंजेस दिखी मुझे, थोड़ा ये बैलेंस करने लगा है अभी। जैसे बहुत मतलब सर की मेहनत हमारी मेहनत सबके काम आई, तो अब तो मैं मतलब थोड़ा स्टिक पे खड़े होने लगा है, तो यही सब है अभी फिलहाल। कैसा महसूस करती हैं अपने बच्चे को खुद से खड़ा देख करके आज? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, इसीलिए अपनी मेहनत पे कायम हूँ कि एक दिन बच्चा ज़रूर अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। आज यहाँ आने के बाद ये सारी सजावट जब आपने देखी, ये सारा कुछ आपने देखा, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि बच्चे लोग ये सब चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं, उन्हें भी परिवर्तन चाहिए और ये एक तीसरा परिवर्तन है। सारे कलर्स देख के बच्चे बहुत खुश हुए थे, बलून्स है, ये सब सब देख के बहुत ही बहुत खुश होते हैं। कितना एंजॉय किया आपने और आपके बच्चे ने? बहुत एंजॉय किया, बलून्स देख के तो बच्चे ऐसे भी खुश हो जाते हैं पूरा। जब भी मतलब सर लोग भी इतना मतलब उत्साह के साथ बच्चे लोग को कर रहे थे, बच्चे भी उतने ही खुश थे। अच्छा, क्या यहाँ के पहले आपको पता था कि इन बच्चों के लिए भी कोई दिन होता है, इन बच्चों के लिए भी कुछ किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ आने के पहले आपको पता थी या नहीं? नहीं, मुझे कभी नहीं पता थी, यहाँ आने के बाद पता चला कि इतना कुछ भी होता है जो बच्चों को अच्छा लगे उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ये सब नहीं पता था। आपने बहुत सारी चीज़ें महसूस की होंगी सोशल लेवल पे भी, सोसाइटी के लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, क्योंकि आप तो माँ हैं, माँ सबसे ज़्यादा करीब होती है बच्चे के। बहुत लोगों की बहुत तरीके की बातें भी आपने सुनी होंगी जो इन बच्चों को लेके वो लोग बोलते हैं, आप आज के दिन उन लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा बच्चा खुद कुछ करने लगेगा, तो उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे जिन्होंने मुझे रोका था। बहुत बड़ी बात मैम ने कही है कि जिस दिन मेरा बच्चा अपने कदमों पे खड़ा हो करके एक अच्छे मुकाम को पहुँचेगा, उस दिन हर वो मुंह बंद हो जाएंगे जिन्होंने एक समय हमें कहा था कि कोई मतलब नहीं, कुछ भी करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। उन्हें पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है इन बच्चों के साथ मेहनत करने पे, क्योंकि ये बच्चे वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य बच्चा कर सकता है। शायद ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा अधिक काम कर सकते हैं यदि सही समय पे सही इलाज इन लोगों को मिल सके। जी बताइए। अग्र तुम्हा गाय कोटी शर्मा प्रवा नी विज्ञान पूर्वाद सर्व कारेश्वर सर्व वादा वादा। बच्चे ने ये तैयार करके आया था, हम लोग बच्चे मदर से बात करके हट गए, तो उसने कहा मुझे भी एक मंत्र बोलना है। आप लोगों ने सुना होगा गणपति जी का मंत्र किया, बच्चे भी हमारे भगवान का ही रूप होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें ये सारी चीज़ें देख करके कि बच्चे भी इतने उत्सुक हैं आज के दिन को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेके, इन सारे प्रिपरेशन को लेके उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। मैम मैं चाहूँगा आप आगे आ जाएं, अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से आई हैं, बच्चे में क्या क्या परेशानी लेकर के आप त्रिशला फाउंडेशन आई थी? मेरा नाम दिव्या माधुरी है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। बच्चे में पहले खड़े नहीं हो पाते थे, खड़े तो होते थे लेकिन पंजे से खड़े होते थे और पूरा एड़ी रख के नहीं खड़े होते थे, अब उसमें यहाँ आके इसमें आके अभी यहाँ सुधार हो गया है, ये पूरा पैर रख के खड़े हो रहे हैं। आइए हम लोग चलते हुए बात करते हैं। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप यहाँ पे लेकर के आप आ रही थी बच्चे को, बच्चे
के अंदर इतनी सारी परेशानियां थी। माँ बाप जब बच्चे में परेशानी देखते हैं तो वो वैसे ही निराश हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आप क्या महसूस कर रही थी उस वक्त, और जब आप त्रिशला फाउंडेशन आई, क्या कुछ आशाएं लेकर के आप यहाँ पे आई थी? जी, मैं पहले तो थोड़ा निराश ही हो गई थी कि मैं सबके बच्चे खड़े हो रहे हैं अच्छे से, मेरा बच्चा पंजा से खड़े हो रहा है, अब कैसे करूं। फिर मैं जब YouTube देखी तो यहाँ का त्रिशिला का दिखाया, तो यहाँ इसी के जैसे और भी बच्चे थे जो पंजे से खड़े होते थे फिर बाद में चलने लगे, तो मुझे ये आशा उम्मीद लेके आई कि मैं भी वहाँ जाके अपने बच्चे को लेके इलाज कराऊं तो ये भी खड़े होके अपने पंजों से चल के आए। आज कितनी खुशी महसूस होती है जब बच्चे में सुधार आता हुआ आपको दिखता है? तो बहुत खुशी होती है, और आज तो सेरेब्रल पाल्सी दिवस है तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम यहाँ आए और इसमें उपस्थित होकर, इसमें शामिल होके इस खुशी में अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कोई संदेश देना चाहती हैं जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि जिसके भी बच्चे इस तरह के हैं, जो अभी बहुत कोई ऐसे हैं जिनको कि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता ही नहीं है, तो वे उनको ये सब जानकारी हो और अपने बच्चे को लेके आए यहाँ और इलाज करा के जाएं, और यहाँ रह भी नहीं सक रहे हैं तो कम से कम थेरेपी सीख के जाएं और घर में कराएं। बहुत अच्छी बात मैंने कही है कि निराश मत होइए, यदि आपके बच्चे में समस्या है तो एक बार हमारे पास आइए, अपने बच्चे को दिखाइए, आपके बच्चे में सुधार अवश्य आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्टिविटीज़ इसी तरीके से यहाँ डेली चलती रहती है, ये सारी गतिविधियाँ यहाँ होती रहती हैं और सारी ऐसे ही दिनचर्या यहाँ की चलती है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को किसी भी तरह से सही करना है, उन्हें उनके कदमों पे खड़ा करना है और मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अपने बारे में कुछ चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। सर पहले नमस्कार, मैं आया हूँ देवरिया जिला से, वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है देवरिया जिला से बैतालपुर, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। आज जब आप यहाँ आए, आपने यहाँ सारी चीज़ें देखी, तो कैसा महसूस हुआ कि आपके बच्चों के लिए भी एक दिन ऐसा बनाया गया है जब उन्हें भी विशेष फील कराया जाए, ना ही वैसा विशेष जो सोसाइटी में लोग फील कराते हैं, बल्कि एक सही सेंस में स्पेशल फील कराया जाए, कैसा महसूस हुआ आपको? सर मैं यहाँ पर जब पहली बार आया था अपने बच्चों को यहाँ पे दिखाने के लिए, तो क्या हुआ तो मैंने देखा सभी बच्चों को यहाँ पे थेरेपी होते हुए, तो फिर मेरे को भी लगा मैं भी यहाँ अपने बच्चों के इलाज कराऊंगा, अच्छे जगह पे अब पहुँचाऊँ, ठीक है। तो फिर इलाज कराने के लिए मैं सर को दिखाया, जैन सर को, तो फिर उन्होंने बोले सर ने कि यहाँ पे 3 महीने रुकना पड़ेगा, 3 या 4 महीने, फिर बच्चे के थेरेपी चलेगी। आज क्या कुछ सुधार आ चुका है और कैसा महसूस करते हैं आज अपने बच्चों को देख के? आज मैं सर बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा जब आया था तो 1.5 साल का था, तो पहले सोया रहता था, मेरे को उठा के बैठाना पड़ता था, फिर आज खुद से अपने उठ के बैठ जाता है, घोड़ा बन के चल लेता है, खड़े होके भी चल लेता है, ठीक, इससे बढ़ की खुशी और क्या होगी। यहाँ एक चीज़ें हमने बहुत देखी है कि यहाँ फादर मदर हर इंसान केवल उसका एक लक्ष्य है कि अपने बच्चे को पूरी तरीके से स्वस्थ करके ही हमें यहाँ से घर जाना है। आप भी अपना काम को छोड़ करके यहाँ बच्चे के लिए आए हुए हैं, आपके जज्बे को सच में सलाम है, और ये जो प्रयास है इनका, कहीं ना कहीं मैं इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में आपका बच्चा अवश्य अपने पैरों पे खड़ा होगा और जो आशाएं आप लेकर के आए हैं वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। ये गतिविधियाँ यहाँ यूं ही चलती रहेंगी,
ये एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ के लिए ये सामान्य बात है। हमारे लिए ये बच्चे हमारे परिवार का ही एक अहम हिस्सा है। ये बच्चे यूं ही अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और ऐसे धीरे धीरे बकमैया चलते 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 कब ये बच्चे ज़मीन से अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद उस मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं और अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। कैसे कि ये चीज़ें शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही कठिन होता है। इनकी सफलता की कहानी पूरी तरीके से शब्दों में बयां करना बहुत कठिन होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बड़े ही खुश होंगे आज के इस लाइव सेशंस को देख करके, हमारे सेंटर्स पे विजिट करके सारी चीज़ों को आपने देखा, हमारे पेरेंट्स को सुना। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के संघर्ष करते हैं और वो संघर्ष एक दिन रंग लाता है और उनका बच्चा उनके पैरों अपने पैरों पे खड़ा होता है, घर जाता है, चल के घर जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है और आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। मैं इस सेशन को, हमारे आखिरी सेशन को ख़त्म करने से पहले दो लाइन पढ़ना चाहूँगा। एक मशहूर कहानी कविता है, आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है और ये निराशा उसके मन में साहस भरता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ लगातार कोशिश करते रहिए, आपकी कोशिश एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अब हम सोमवार को आपके साथ फिर से लाइव के अपने रूटीन लाइव में 11:30 पे फिर से आपके साथ साझा होंगे हमारे सेंटर एक्टिविटी सेंटर से। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आदित्य मिश्रा अपने सहयोगी मनोज जी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।